पीछे एक जन समर्थन देता हुआ, भयंकर जन समर्थन देता हुआ पीस पार्टी के उम्मीदवार धनंजय यादव की महारैली यहाँ पे निकली है, और किस तरीके से पीस पार्टी का यहाँ पे झंडा बुलंद होता हुआ देखिए, किस तरीके, एक बार दिखाइए सर, एक बार दिखाइए, देखिए किस तरीके। चुनाव चलती रही है, इसी चुनाव में कभी टेढ़ी जेली भी बन के हम सवालों की बौछार भी करते रहे हैं, लेकिन बीच में कभी नेताजी मिल जाते हैं तो उनसे सवाल बनता है। सबसे पहले गोरखपुर दस्तक पे बहुत बहुत स्वागत, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का रिएक्शन कैसा है? रिएक्शन मेरे पक्ष में है और खुल के है। अच्छा, बहुत जनता बहुत खुश है। हाँ। कि पीस पार्टी से एक अच्छा उम्मीदवार, थोड़ा चल चल के हम लोग करें। अच्छा, प्रचार भी करते रहिए आप लोग, ये बताइए मुझे, लालगंज में हर जगह प्रचार कर रहे हैं, पूरा क्षेत्र प्रचार में है, आप भैंसौली के रहने वाले हैं तो थोड़ा सा बाहरी वाला इलाका है, ये लोग शहरी वाले थे, इस समय हालांकि विस्तारित हो चुका तो आप भी हुए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है इन लोगों के दिल में अगर जगह बनानी है तो आपको कौन से मुद्दों पर ध्यान देना होगा? मुद्दा बहुत सारे हैं। अच्छा, मुद्दे बहुत हैं, विस्तारित होने के नाते आज तक नगर के बीच के रहने वाले लोग चेयरमैन बने, नगर का विकास के नाम पे जीरो है। इस नाते डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अयूब साहब ने विस्तारित होने के नाते एक बाहरी क्षेत्र जो जुड़े हैं उसके नाते मेरा टिकट उन्होंने दिया है आपको, दिया तो। कुछ दिन पहले बसपा से कहीं ना कहीं आपकी ये था कि बसपा से मिल जाएगा, बसपा में क्या ऐसा हुआ कि अचानक पीस पार्टी का? कहावत है ना कि बसपा के जितने कॉडर के लोग हैं उनमें इतना लालच भरा हुआ है। अच्छा, उस नाते मुझे मजबूरन उस पार्टी को छोड़ना पड़ा। अच्छा, पीस पार्टी में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अधिकतर मुसलमान या कहा जाए हिंदू जनसंख्या भी यहाँ पे रिलेट कर लेती है, विशेषता यहाँ की पार्टियों में। एक बहुत बड़ा सवाल आपसे सर कर लेते हैं, क्योंकि बड़हलगंज की जनता है तमाम से, यहाँ पे बाबा जलेश्वर नाथ का मुद्दा, तमाम अतिक्रमण के मुद्दे देख रहे हैं, कितने में ही पूरा जाम लग जा रहा है, इन सब मुद्दों पे आपका मुद्दा क्या रहेगा सर? किस मुद्दों पे आपका मुद्दा जो स्पेशल रहे, जो कुछ अलग अगर करवा सकते हैं तो? बिल्कुल, जितने मुद्दे हैं। अच्छा, इस बार पीस पार्टी का चेयरमैन बनेगा और उन हर मुद्दों को सुलझाया जाएगा। और जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की, डॉक्टर साहब का एक ही नीति है, न्याय, और न्याय पे जोर देना, चाहे वो थानों में है, चाहे किसी वर्क में, बस वो डॉक्टर साहब का एक ही उसूल है, न्याय, न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये आपका विशेष मुद्दा है, यही मुद्दा। अच्छा अच्छा, अगली बार जो 5 साल हुए थे, ठीक, अगली बार के 5 सालों पे क्या कहेंगे? जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, अगली बार का जीता गया, आप भी इस बार जुड़े हैं, तो अगली बार वाले कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? अगली बार के कार्यकाल के नाते ही डॉक्टर साहब ने ये परिवर्तन किया। अच्छा अच्छा, कि एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा युवा लड़का है कि नगर पंचायत को विकास के पथ पे आगे बढ़ा। अच्छा, तो ये थे, बहुत बहुत धन्यवाद गोरखपुर दस्तक से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने गोरखपुर दस्तक को इतना वक्त दिया। हालांकि चुनाव के वक्त पसीना होता है और जनता भी कहीं ना कहीं इसी पसीने की अहमियत समझती है। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, एक हमारा शो आता है कटघरे में नेताजी, कुछ दिन बाद टेलीकास्ट है, तो उसमें आपके जवाब मुझे चाहिए, तो वक्त मिलेगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे हैं गोरखपुर दस्तक। लगातार जनता के भी सवाल चल रहे थे, इसी बीच नेताजी मिल गए और नेताजी से हमने सवाल पूछ लिया, क्योंकि एक सवाल है कि जनता किसे चुनेगी 2023 के इस चेयरमैन प्रत्याशी की दौड़ में। हालांकि सबके अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन नेताजी ने साफ कहा कि हमारा मुद्दा न्याय का है, हमारा मुद्दा शांति का है, और इसी वजह से वो पीस पार्टी से इस बार चुनावी मैदान में है। देखिए किस तरीके से माहौल में गर्मी है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो जा रही है, लेकिन क्या जनता के जो सवाल हैं वो पूरे हो पाएंगे? ये तमाम सवाल आज आपके साथ छोड़े जाता हूँ, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।